एक तरफ विकास की बात होती है तो दूसरी तरफ जनता परेशान, और खासकर विकास के नाम पर किस तरह से जनता को गुमराह किया जा रहा है इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जो कार्य साल भर में पूरा हो जाना चाहिए था अभी तक शुरू नहीं हुआ, खासकर जनता को काफ़ी दिक्कत हो रही है। नमस्कार, चौक चौराहा के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और आज हम धनबाद से हम बात कर रहे हैं आद्रा डिवीज़न की रेल लाइन की, जहां करीब मार्च 2021 से ही विकास के नाम पर इस रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया है, यानी एक फ्लाईओवर निर्माण की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से जो सड़क है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, यानी आवागमन का जो मार्ग है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और ख़ासकर यह रेल लाइन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल से सीधा झारखंड को जोड़ने वाली रेल लाइन है, कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन भी इससे होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यह सड़क मार्ग आखिर निर्माण कार्य जब शुरू नहीं हुआ तो आखिर इस मार्ग को क्यों बंद किया गया, जबकि BCCL यानी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, टाटा जैसी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े वाहन इसी सड़क से गुजरते हैं और इसी को लेकर लगातार जो लोग हैं स्थानीय लोग वो आंदोलन करते नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त हम दिखा सकते हैं कि 21 मई से लगातार जो है यहाँ भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। उनकी मांग यही है, या तो फ्लाईओवर का कार्य शुरू किया जाए या इस रास्ते को चालू किया जाए, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो जिला प्रशासन या रेल प्रशासन की ओर से कोई सार्थक पहल नहीं की गई है। और ख़ासकर इस रेल मार्ग के कारण, इस रास्ते को बंद करने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना जो आम जन है उन्हें उठाना पड़ रहा है। और इस वक्त हम भागा में हैं और भागा का यह दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पे लगातार 21 तारीख से भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए, लोगों की एक ही मांग है इस रास्ते को चालू कर दी जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं इन लोगों से समझने की, इन लोगों से बात करने की कि आखिर क्या मांग है, अभी तक क्या कुछ पूरा किया गया है। हमारे साथ हैं मनोज जी। मनोज जी, आप लगातार अगर बात करें तो 21 तारीख से भूख हड़ताल पे आपकी क्या मांगे क्या है? हमारा मांग है ये रोड का जो बंद कर दिया गया है, ये रास्ता को उस फाटक को खोल दिया जाए। चलिए, इनकी मांग यही है कि इस रास्ते को खोल दिया जाए, ये भी भूख हड़ताल को समाप्त कर देंगे। क्या लगता है यहाँ दोषी कौन है? दोषी यहाँ की सरकार है, रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन की ढुलमुल रीति के कारण यह फाटक आज विगत 1.5 वर्षों से बंद पड़ी हुई है। इससे झारखंड सरकार को करोड़ों रुपयों की राजस्व की क्षति हो रही है, साथ साथ जो अगल बगल के लोग हैं वो पूर्ण रूप से कम्युनिकेशन से कटा हुआ है। कहा जाता है कि किसी भी देश की या प्रदेश की उसकी मुख्य आधार जो है यातायात का साधन है और सड़क उसका मुख्य आधार है, लेकिन आज ये सड़क को बंद किया गया। इसलिए हमारी मांग है जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन से, इस सड़क को जनहित में, राज्य हित में, प्रदेश हित में तथा देश हित में अविलंब चालू किया जाए। आखिर क्या कारण है कि इतने साल हो गए, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक ना ही निर्माण कार्य शुरू हुआ है, सिर्फ ब्लॉक कर दिया गया रास्ते को? देखिए, रेल प्रशासन और जिला प्रशासन, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट का आपसी तालमेल नहीं है। इन लोग एक साथ बैठ के समस्या खत्म हो, इसके लोग आपसी तालमेल के कारण ये लेट हो रहा है। इन लोग का यही हम लोग मांग है कि जल्द से जल्द आप कब काम चालू कीजिएगा, इसको कोई मतलब नहीं, लेकिन जनता के लिए, आम जनता के लिए जो बहुत दिक्कत समय, बगल में हॉस्पिटल है, स्कूल है, बच्चियों को आना जाना, अभी हाल में एक महिला को चोट लगी है जिनका पैर कट गया है, 2 हत्याएँ इस जगह पर हो गया है, रात में अंधेरा रहता है, महिलाओं को आने जाने में दिक्कत होती है। आम जनता का यही मांग है कि फाटक खोल दिया जाए, जब आप काम लगाइएगा तब बंद कर दीजिए, यानी जब आप काम लगाएं तो उसके बाद बंद कर दें। और वास्तविकता में यही होना चाहिए कि जब निर्माण कार्य शुरू हो तो बंद किया जा सके। क्या लग रहा है कि आखिर क्यों ऐसा कर रही है रेल प्रशासन? देखिए, निश्चित रूप से जब ओवरब्रिज की बात हुई थी तो यहाँ की जनता ने स्वागत किया था और उसने समय लिया था कि हम 1 साल में ओवरब्रिज को कम्प्लीट कर देंगे। यहाँ तो 1.5 साल बंद हो गया, फाटक तोड़ करके छोड़ दिया गया, सड़क मेन सड़क को जो लाइफ लाइन था, रांची बोकारो से जोड़ता था ये रोड सिंदरी धनबाद के लिए, उस रोड को आज 1.5 साल से काम बंद करके
आम जनता को परेशानी में डाल दिया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोश है। इसके पूर्व में 8/7/21 को धरना दिया गया था कि आप भाई काम आपकी बंद है तो आप इसको चालू कर दें। उसके बाद भी रेल प्रशासन का नींद नहीं टूटा है। निश्चित रूप से आज धरना के माध्यम से, अमरन अनशन के माध्यम से जनता काफ़ी आक्रोश है। इस आक्रोश को रोकने के लिए रेल प्रशासन को जो अविलंब इस फाटक को खोल देना चाहिए। बिल्कुल अविलंब जो है जनता के आक्रोश को देखते हुए इस फाटक को खोल देना चाहिए। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो ना ही रेल प्रशासन किसी तरह की पहल करती नजर आ रही है, ना ही जिला प्रशासन। आखिर कहाँ है जनप्रतिनिधि, जो इस वक्त जिनकी जरूरत थी वो लोग कहाँ हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर रेलवे ने कार्य करने से पूर्व कैसे बंद किया और रास्ते को बंद किया, और आगे भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं धनबाद के आद्रा डिवीजन की रेल मंडल की, उनके कारस्थानियों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार्य शुरू होने से पहले ही रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, और अभी तक मतलब कि 1.5 साल होने को है, 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक ना ही फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और ना ही किसी तरह का कोई कार्य यहाँ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हमारे साथ जनता है यहाँ की, उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या लग रहा है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को। देखिए श्रीमान, ये 18 महीने से जैसे आप सुन रहे हैं कि बंद है फाटक। सबसे बड़ी समस्या है कि स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, स्कूल जाने में कम से कम 2 घंटा उन लोगों को अपने घर में पहुंचने में लगता है। आप सोच के देख सकते हैं, किसी घर का बच्चा 2 घंटा लेट आता हो, 11 बजे छुट्टी होती है और 1-1.5 बजे बच्चा वो भूखा प्यासा आता है। रास्ता बंद होने का कारण यहाँ TCH टाटा सेंट्रल हॉस्पिटल है, यहाँ का जितने लोग लोकल जितने भी हैं इसी हॉस्पिटल में आके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना समस्या है यहाँ पे। लोग बहुत बहुत लोग एकदम क्या बोल जाए, इतने दुखित हैं जनता। यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जो भी DRM रेलवे, आज का युग में इतना टेक्नोलॉजी हाई होने का बाद भी जब तक नहीं बनना था पुल को, ब्रिज नहीं बनाते तो एक नोटिस दे देते, जब पूरा गिराते तो बनाते। सब लोग तो बहुत स्वागत किया इनका, बहुत अच्छा कार्य हो रही थी ये। कम से आवागमन इस क्षेत्र का टोटल यही रास्ता मेन रास्ता है जो जुड़ता है, महिलाओं का जाना, बाजार जाना, हॉस्पिटल जाना, बाजार, सब चीज़ बाधित है टोटल। बहुत लोग क्या बोला जाए, आप लोग मीडिया के माध्यम से सर आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि इसको हाईलाइट कीजिए, जल्दी से जल्दी उसका निर्माण शुरू करवाएं ताकि जनता जो खुश हो, स्वागत करे DRM को भी। क्या लग रहा है, कितनी मान लीजिए ये रास्ते बंद होने से कितना घुमाव रास्ता यूज़ करना हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? रास्ता तो बहुत ज़्यादा घुमावदार हो गया है। एक तो रास्ता दो तरफ था तो जाम लग रहा था, अभी एक सिंगल रास्ता है, वहाँ पर इतना धूप में, चिलचिलाती धूप में 1-1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है जब कोई भी गाड़ी पार करती है तो, और काफ़ी तकलीफ है यहाँ। क्या कहेंगे रेलवे को, क्या कहेंगे रेलवे को, क्या कहेंगे सर खोलने के लिए, इसको जल्द से जल्द खोला जाए, परेशानी दूर किया जाए, यही मांग है। कितनी परेशानी हो रही है? चलिए तो जनता है और लगातार जो है जनता आवाज़ जो है वो बुलंद करते नज़र आ रही है। कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जामाडोम भी एक पुल के नाम से वो वहाँ भी रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, ये भी ब्लॉक है, उधर भी ब्लॉक है। उस रास्ते को किसने ब्लॉक किया? वो राज्य सरकार की तरफ से रोड बन रहा, मगर वो भी खत्म हो गया, तैयारी हो रहा है, मगर वहाँ कार्य चालू है जिसके कारण जनता को संतुष्टि है। मगर यहाँ 1.5 वर्षों से गड्ढा करके छोड़ दिया गया, कुछ 16 महीना हो चुका है मगर 16 ईंटा नहीं जुड़ा है अभी तक। बहुत चिंता की खासकर अगर हम बात करें तो कितना घूम कर जाना पड़ता है अगर उस पार जाना है तो? करीब करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है लोगों को। और हमारे आज जो पूर्व पार्षद जी बैठे हुए अनशन पर, आज 4th दिन है, कोई भी अधिकारी या कोई भी रेल डिवीजन कोई भी आने का बात नहीं किया, कोई भी आग्रह कोई पहल करने की काम नहीं की। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जनता को लोग बेवकूफ़ समझ रहे हैं। यहाँ की जनता जिस दिन आक्रोश में आएगी तो ये रेल तो रेल, रेल का लाइन भी पटरी भी कबाड़ के फेंक देगी। ये मीडिया के माध्यम से हम उन्हें सूचना देते हैं, DRM को, आद्रा DRM को, ये जल्द से जल्द इनका पहल करे, वरना जनता कल आक्रोश में आएगी तो कुछ भी हो सकता है।
बिल्कुल, जनता अगर आक्रोशित हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। और खासकर हम दिखा रहे हैं कि आद्रा डिवीजन का यह रेल लाइन और खासकर भागा के जो लोग हैं वो कितने आक्रोशित हैं। और यहाँ के पूर्व पार्षद जो है मनोज साव ने खासकर बेड़ा उठा रखा है कि इस रेलवे लाइन को किसी तरह से खुलवाना है। इसी के लिए वो लगातार आज चौथे दिन भी आमरण अनशन पे हैं और देखना है कि इनकी मेहनत कितनी रंग लाती है। और बातों का और महिलाएं भी कुछ हैं, महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? बहुत ही दिक्कत हो रही है हम लोग को आने जाने के लिए। यंग लड़की लोग जो 8 बजे आती है, कुछ यहाँ पर उन लोग के साथ छेड़खानी भी हो जाता है तो उसका रिस्क कौन लेगा? उनका घर का लड़की का रिस्क कौन लेगा? यहाँ जो दुकान थी छोटा छोटा चौप सिंगारा बेच के जो घर परिवार चला रहा था उसको भी बंद हो गया, उनको भरपाई के देगा, उनको घर कौन चलाएगा? उधर दवाई दुकान बंद हो गया, बीमार पड़ने से दौड़ के दवाई लेने जाते थे वो नहीं है, तो क्या हुआ होगा इसका? यहाँ जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए इसको। हम लोग को ब्रिज नहीं चाहिए, ब्रिज के लिए बहुत जगह है, उधर से करिए, हम लोग को यहाँ जल्दी से खोल देना चाहिए। क्या कह के रेलवे जो है यहाँ ब्रिज खोलने की बात कर रही थी? एक ना हॉस्पिटल ले जावा बच्चा दे स्कूल रेलवे की से रेलवे है आज 1.5 বছর ধরে বন্ধ করেছে অনেক অসুবিধা হচ্ছে। हाँ ठेले में इधर आशा जावा, हाँ यही असुविधा हो चाहिए। रेलवे ने क्या कहा था, क्या बोलकर इस रेलवे यहाँ पे रोका गया था रास्ते को? जाम के लिए किया गया था, जो यहाँ ज़्यादा जाम लगता है इसलिए, तो ऐसा तो है नहीं जो बहुत ज़्यादा जाम लगता है तो रैक पॉइंट के चलते ही लगता है, ऐसा नहीं लगता है, रैक पॉइंट के चलते ही लगता है। देख रहे हैं रेल अपना काम ठीक हो रहा है लेकिन पब्लिक को भुखमारी कर दिया है, जो हम लोग को बिजनेस सब बंद हो गया है, इसका भरपाई कौन देगा? आज 1.5 साल से जो बंद है। बिल्कुल, इसकी भरपाई कौन करेगा? खासकर अगर हम बात करें तो जो यहाँ दुकानदार थे, छोटे मोटे दुकानदार, उनकी दुकानें उजड़ गईं। और ये हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अनशन पे बैठे हुए हैं और खासकर जो रेलवे लाइन है उसको चालू कराने को लेकर काफ़ी दिनों से लगातार इनकी पहल थी और जब किसी ने सुना नहीं तो लास्ट में बाध्य होकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया। अब इनकी मेहनत मनोज जी की कितनी रंग लाती है यहाँ के स्थानीय लोगों की, और कब रेल प्रशासन जागता है और कब इन्हें फिर से जो है इनकी जो न्याय है, जो जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई कब पूरी होती है ये देखना है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर रेलवे अभी क्या कर रहा है, जब इतना कुछ हो रहा है उसके बाद रेलवे क्या कह रही है? श्रीमान, हमको तो लगता है रेलवे सो ही रही है, मालूम तो ऐसा ही होता है, अगर नहीं सोती तो परिस्थिति तो खड़ी नहीं होती। इतना तो कम से कम देखना चाहिए, रेल हम लोग का भारतवर्ष का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए तो कोई तुच्छ मात्र है ये काम, जब चाहे 1 महीना में इसको संचालित कर सकती है। क्या श्रीमान गलत बोल रहा हूँ? सही बात है, देखना चाहिए, इतना सारा चीज हम लोग एक तरह से उनका कस्टमर है ना हम लोग उनका। जी। आप सुने इतना महिलाओं का बच्चों का कितना कष्ट है। अब मैं तो धन्यवाद देता हूँ आपका प्रेस कशिस को, जिन्होंने आकर के हम लोग समस्याओं को सुना। मैं आशा करता हूँ आप लोग का माध्यम से इसको से जल्द इसका जो है कार्य शुरू करवाएं आप लोग, धन्यवाद। बिल्कुल, हमारी कोशिश भी होगी कि जितना जल्दी हो खासकर जनता की जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सके। बातों का सिलसिला अभी जारी रखेंगे, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। हम बात कर रहे हैं करीब साल भर से ऊपर हो चुके, बंद हो चुके रास्ते को खुलवाने की बात, जो लोग जो है स्थानीय लोग वो लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन ना ही रेलवे प्रशासन सुनने वाला है ना ही जिला प्रशासन। आखिर कब खुलेगा यह रास्ता और कब आम लोगों को इससे राहत मिलेगी इन मुश्किल घड़ियों से? और हमारे साथ बात कर रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। एक सवाल है सबसे बड़ा कि आखिर जनप्रतिनिधि कहाँ है? निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि का पहल नहीं करने की वजह से आज आम जनता इस क्षेत्र का आक्रोशित है। आप 22 तारीख को देखे होंगे बहुत बड़ी सभा हुई थी आम जनता के द्वारा, और यहाँ के जो पूर्व पार्षद लोकल है मनोज साहु जी अमरन अनशन में बैठ गए हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह रेल प्रशासन को जगाने के लिए धरना और सभा आक्रोशित व्यक्त कर रहे हैं लोग, उसी तरह आज उनका भी नींद टूटेगा। तो हमको तो लग रहा है कि अभी माननीय विधायक का यहाँ की DRM से बात की थी तो उनके भी बयान आया था कि 1 सप्ताह के अंदर में कार्य अगर चालू नहीं होगा तो उसको खोल दिया जाएगा। तो अच्छे स्वागत है, जितना जल्द से जल्द हो खोला जाए, क्योंकि आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ रहा है।
कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। इसलिए मैं DRM साहब से, रेल प्रशासन से और जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आम जनता के लिए, आम हित के लिए, आपने जो ओवरब्रिज का जो निर्माण किए थे आम हित के लिए नहीं किए थे, ना कि आप आम जनता को परेशान करने के लिए आप ये योजना लाए थे। आज आम जनता परेशान है आपकी इसे ओवरब्रिज लाने से। आप अगर ओवरब्रिज का कार्य चालू रहती तो आम जनता स्वागत कर रही थी, मगर 1.5 साल से कार्य को रोक दिया गया और किसी प्रकार का कोई कार्य नज़र नहीं आ रहा है और आम जनता टापू में रहने के लिए मजबूर हो गया है। लाइन तड़प करके पार हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, बच्चे दुर्घटना होकर के चोटिल हो जा रहे हैं, आम जनता परेशान है। मैं अनुरोध करूंगा जिला प्रशासन से लेकर के रेल प्रशासन से कि अविलंब अब समय आ गया है कि आप जागे और इस फाटक को खोले। क्या होना चाहिए वैकल्पिक व्यवस्था, अभी तत्काल की अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए जिससे इस समस्या का हल निकल सके? इसका एक ही, अब समस्या का हल एक ही बात से निकल सकता है, अभी रास्ता खोल देना चाहिए। जब तक काम बंद है रास्ता खोल देना चाहिए आम जनता के लिए, और जब काम पूरा डॉक्यूमेंट हिसाब से अगर पूरा टेंडर करके ये काम चालू हो तब ये रास्ता बंद करना चाहिए। आखिर जनप्रतिनिधि कहाँ है? जनता तो रोड पे है, आमरण अनशन पे है, बैठी हुई है, लगातार त्राही माम कर रही है, तो जनप्रतिनिधि कहाँ है? इतनी बड़ी समस्या है और इस समस्या को एक भी बार, जो हमारा प्रदेश का सबसे बड़ा पंचायत होता है विधानसभा, उसमें इस मामला को न उठाया जाना कितनी बड़ी मानसिकता का ये परिचायक हो सकता है। माननीय विधायक जो झरिया है, इस मामले को एक भी बार सदन में लाने का कार्य नहीं किया गया। जब चुनाव हुआ तो उन्होंने घूम घूम कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की और बहुत तरह का आश्वासन दिया, लेकिन आज वह इस समय में कहाँ जाकर छिपी बैठी हुई है यह समझ से परे है। इस योजना को लागू करने के लिए एक एग्रीमेंट बना था कि रेलवे प्रशासन अपना काम करेगा और स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगा, तो ना ही रेलवे प्रशासन काम किया और ना ही स्टेट गवर्नमेंट काम किया। इस योजना को बनाने में एक DPR बनी थी, उस DPR जो होता है वो किसी भी योजना के लिए मूल आधारभूत बुनियाद होता है। DPR जब बन रही थी तो उस DPR के समय देखना चाहिए कि इसके नीचे पाइप है कि नहीं है। आज इस DPR भी कहिए गलत बना, और साथ ही साथ राज्य सरकार की उदासीनता के कारण सारे हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो सारे लोग मौन बन चुके हैं, मौनी बाबा बन चुके हैं, और हमारी जनता जो है आज त्रस्त है। यहाँ पिछले दिनों दो दो आपराधिक घटनाएं घट चुकी है, सरेआम एक नए ठेकेदार, युवा ठेकेदार की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, और ड्यू टू इस फाटक की वजह से अगर यह फाटक खुला हुआ रहता तो वो ठेकेदार भाग जाता, नहीं भागने के कारण उसको अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया साथियों। और आज भी आपको पता होगा कि ऐसे वृद्ध जान जोखिम में डालकर इस ट्रैक को पार कर रहे हैं, उनके पैर हाथ कट रहा है। इसलिए राज्य सरकार और जो जनप्रतिनिधि यहाँ मौनी बाबा बन के रखे हुए हैं, उन लोगों से निवेदन है कि अपनी मौन धारण को तोड़े और इस फाटक को अविलंब चालू करें। अभी तत्काल में क्या वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए? वैकल्पिक व्यवस्था सबसे बड़ा यही है कि रास्ता खोला जाए। रास्ता खोलना सबसे बड़ा विकल्प होगा। ये हम लोग रेल प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे, जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले ये रास्ता खोला जाए। तत्कालिक अगर बात करें तो तत्काल में लोगों की जो मांगे हैं वो साफ तौर पे हैं कि कम से कम इस रास्ते को खोल दिया जाए, जो आवागमन है उसे चालू करवा दिया जाए, ताकि जो लोग 8 किलोमीटर की दूरी तय करके जा रहे हैं कम से कम वो दूरी तय नहीं करना पड़े। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि अभी तक कोई पहल नहीं की गई, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी अगर हम बात करें खासकर तो यहाँ ये खासकर महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है और यहाँ से बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी गुजरती हैं, तो अगर रेलवे की अगर बात करें तो आधा डिवीजन में है, तो रेलवे के अधिकारी एक बार भी बात करने को आए हैं? अभी सुबह में आए थे, उनको कहा गया हमारे मतलब पूर्व पार्षद मनोज साहब द्वारा गया कि आप लिखित हमको दे दीजिए। उसने कहा कि हम DRM से बात करते हैं, उसके बाद ये मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है,
हम अपने आला अधिकारी से बात कर करके उसके बाद हम लिखित देंगे। मेरा कहना है कि जब DPR बना तो चार पिलर के लिए रेलवे का DPR बना, तो रेलवे का जो DPR बनाने वाले इंजीनियर थे वो कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे? उनको ये नहीं पता था कि इस धरती के नीचे में पाइपलाइन गुजरा है, इस धरती के नीचे में खदान है, इस धरती के नीचे में और भी कुछ तरह की बातें हैं। आंख बंद करके DPR बना दिए, आंख बंद करके रेलवे फाटक बंद कर दिए आम जनता को परेशान करने के लिए। अभी तो हम लोग को ये भी पता चला है कि PWD जो पिलर इधर, तीन पिलर इधर देना और चार पिलर उनको उधर देना, उसका टेंडर नहीं हुआ। तो ये टेंडर का खेल में पता चला कि 1.5 साल तो गुजर गया और अभी फिर इस टेंडर के खेल में 2 साल आ रही है गुजार देंगे, तब तक पब्लिक इसी तरह त्राही त्राही करते रहेंगे। हम लोग का बस एक ही विकल्प है कि आप टेंडर खेलते रहें, तत्काल आप इस फाटक को जिस तरह सुचारू रूप से चल रहा था उस तरह से आप खोल दें और चालू कर दें। बिल्कुल, तत्काल एक जो उपाय है कि तत्काल जितना जल्द हो इस फाटक को खोल दिया जाए ताकि आम जनता जो है जो त्राही माम कर रही है इस रास्ते के बंद होने से कम उन्हें राहत मिल सके। तो सबसे बड़ी समस्या जो अभी चल रही है रेलवे और राज्य सरकार के बीच में जो टेंडर का खेल खेला जा रहा है, तो अब देखना है कि जो मनोज जी हैं जो लगातार आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनकी मेहनत कितनी रंग लाती है। धनबाद से कशिश न्यूज़ के लिए कन्हैया कुमार।